बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग फार्मेसी प्लेटफॉर्म से। तो आज हम बात करेंगे अपने लैंड एरिया के मुतालिक। अगर आपके पास चारों सिंथ का अलग अलग डायमेंशन का लैंड एरिया है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कम्प्लीट वीडियो के मुतालिक बताऊँगा, फार्मूलेस के मुतालिक बताऊँगा और एरिया के मुतालिक आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। तो आप गूगल के ऊपर आते हैं या कहीं से भी आप अपना कोई एरिया मेजरमेंट करके लेकर आते हैं। अगर सपोज़ ये आपके सामने, आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एरिया है, इधर चार मुख्तलिफ साइड इसकी हैं, ये एरिया है, इसकी डायमेंशन वगैरह इधर हमारे पास हैं। एक 106 फिट है, दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास इसी तरीके से 198 फिट आएगी, और इसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास 110 फिट है, और इसी तरीके से 206 फिट है। तो ये सारी हमारे पास अलग अलग डायमेंशन हैं। तो जो इस किस्म की जो लैंड एरिया होता है, उसका जो फार्मूला होगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसको आपने 200 में करना है। इसके लिए कोई आपने एवरेज नहीं लेना कि आपने ये ए और बी की आपने और बी और सी के एवरेज लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, ये आपका एरिया इस तरह गलत होता है। तो मैं आपको एरिया कैलकुलेशन बताऊँगा। इस तरह का जो भी एरिया होएगा, इसके अंदर आपने सबसे पहले इसकी डायगनल की लेंथ मालूम करनी है। अगर आपके पास आप जिस मेजरमेंट कर रहे हैं एरिए की, मेजरमेंट की है आपने, इसकी पूरी डायमेंशन ली है, तो उधर आपने डायगनल इसका ले लेना है जो भी है एरिया। अगर ये आपका 90 के ऊपर है फिर तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये आपका 90 के ऊपर नहीं है तो आप कोशिश करें इसका एरिया, आप इसकी जो लेंथ हैगी जैसे, वो आपने जैसे ले लेनी है। तो ये आपने इधर लेंथ इसकी लिख देनी है। इसके बाद ये हमारे पास 200 में डिवाइड हो जाएगा। ये पहला ऐसा हमारे पास एरिया 1 का आ जाएगा, और दूसरे नंबर के ऊपर जो एरिया आएगा हमारे पास वो एरिया 2 का आएगा। दोनों की कैलकुलेशन हम इसकी अलग अलग करेंगे। तो ये हमारे पास ए आ जाएगा, ये हमारे पास बी आ जाएगा, और ये जो डायगनल की लेंथ होगी हमारे पास सी हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी साइड के ऊपर आप आते हैं तो ये हमारे पास जो लेंथ होगी, ये हमारे पास ए आ जाएगी, और नीचे वाली हमारी बी आ जाएगी, और सी हमारी यही लेंथ रहेगी। तो इसके हिसाब से ये पूरा प्लान मैंने इधर बना दिया है। तो इसका जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, एरिया 1 हमारा होगा अंडर रूट एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी। ये हमारे पास जो एस की वैल्यू, ये क्या है, तो एस की वैल्यू जो हमारे पास होएगी, इसका हमारे पास अलग फार्मूला आता है। ये फार्मूला हमारे पास होएगा ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 2। ए की हमारी वैल्यू है ये वाले, बी की हमारी वैल्यू ये, और सी की हमारे पास वैल्यू ये। तो ए हमारे पास है 198, बी हमारे पास 106, और सी हमारे पास 228। ये इस तरीके की ट्रायंगल डिवाइड बाई 2 कर देना है। कैलकुलेटर को आपने ओपन कर लेना है। 198 प्लस 106 प्लस 228.08 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास 266.04 किसकी वैल्यू आ जाएगी, एस की वैल्यू। तो ये हमारे पास एस की वैल्यू को आपने इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेना है, और ये हमारे पास आगे इसका फार्मूला फिर ये एस की वैल्यू के हिसाब से चलेगा। तो फार्मूला आपने नीचे दोबारा पैड के ऊपर नोट कर लेना है। एस 266.04 मल्टीप्लाई करना है, डबल ब्रैकेट लगा देनी है, फिर एस की वैल्यू लगानी है, फिर आपने ए की वैल्यू लगा देनी है, फिर एस की वैल्यू, और उसके बाद बी की वैल्यू, फिर एस की वैल्यू माइनस अपर डायगनल जो लेंथ है सी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपने जैसे इजिकल टू करना है, कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है, अंडर रूट लगाना है कैलकुलेटर के ऊपर, सबसे पहले 266.04 मल्टीप्लाई कर लेना है, डबल ब्रैकेट्स लगानी है, उसके बाद 266.04 माइनस 198 मल्टीप्लाइड बाई 266.04 माइनस 1.106 ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर मल्टीप्लाइड बाई 266.04 माइनस 228.08। तो आपने ये फार्मूले को इसी तरीके से लगाना है कैलकुलेटर के ऊपर। कोई बड़ा फार्मूला नहीं है, छोटा सा फार्मूला है, ये आप बैक करके इसको चेक कर सकते हैं पूरे फार्मूले को। ये आपने इसी तरीके से इंटर करना है। करने के बाद आपने इक्वल टू कर लेना है, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा 104.86.558 स्क्वायर फिट। ये हमारे पास आएगा एरिया 1 का। ये आपने कैलकुलेशन सारी इसी तरीके से करके, और जो आपके पास एरिया 1 होएगा वो इधर आपने इधर नोट कर लेना है। अपने पैड के ऊपर भी आप इसको नोट कर सकते हैं, ऊपर आप इसको लिख दें, तो हमने इधर ऊपर लिख दिया। इसी तरीके से एरिया 2 सेम टू सेम इसी मेथड के ज़रिए आपने इसको कैलकुलेट करना है। फार्मूला सेम टू सेम है, वही है, आपने इसको रिपीट करना है। जस्ट इसके साथ एस की वैल्यू आपने पहले निकाल लेनी है, उसके बाद आपने इसी तरीके से उसका पूरा वॉल्यूम, उसका स्क्वेयर फीट एरिया निकालना है। तो एस हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू इधर चेंज हो जाएगी 206 आ जाएगी, बी की वैल्यू 1010 है, और सी की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी। डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी 206.1110 प्लस 228.08 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 272.04। तो ये हमारे पास वैल्यू एस की वैल्यू आ गई है। आपने इसी तरीके से इस फार्मूले को आपने आगे कंटिन्यू कर लेना है, अपना जो मेन फार्मूला आपका एरिया का आएगा। तो ये एक बहुत यूज़फुल कैलकुलेशन है आपके पास, जिस इस टाइप की जो भी एरिया है, लैंड एरिया है,
जो आज जिसकी कोई डायमेंशंस बराबर नहीं है, तो आपने सारी कैलकुलेशन उसकी इस फार्मूले के ज़रिए करनी है, आपने एवरेज नहीं लेना। तो आपने ये इसी तरीके से सेम टू सेम फार्मूला आपने लिख देना है, जो आप पहले हम रिपीट कर चुके हैं उसको, तो आपने कैलकुलेटर को ओपन करके और सेम टू सेम यही फिगर्स जिस तरह मैंने इधर आपके सामने लिखी हैं आप इसको नोट कर लें कैलकुलेटर के ऊपर, और इधर से उसकी कैलकुलेशन आप एज इट इज़ करते जाएँ। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत सिंपल और इजी वे है। अगर आप इसका दोनों हिस्सों का आप अगर एवरेज लेते हैं तो वो एवरेज के ज़रिए आपका एरिया नहीं आता। तो ये आपने जो भी इस किस्म की जो भी आपके पास लैंड एरिया है वो आपने इसके लिए यही फार्मूला यूज़ करना है, एरिया एरिया का एस माइनस एस वाला, और इसके साथ ये आपका जो एरिया आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। जो सेकेंड एरिया आ गया हमारे पास वो 11312.533 आ गया। आपने इधर एरिया टू के अंदर इसको लिख लेना है इधर, और अपने पैड को जिधर भी है आपने उसको नोट कर लेना। तो एरिया वन हमारे पास आया था 10486.5558 और एरिया टू आ गया 11312.533। तो आपने इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है, एरिया वन प्लस एरिया टू, ये आपने फिगर इधर सामने लिख लेनी है, कैलकुलेटर को आपने ओपन कर लेना है और इधर आपने इसको नोट करना है इसी तरीके से 10486.558 प्लस 11312.533 करेंगे तो टोटल एरिया आपके पास आ जाएगा 217.99091। तो ये आपके पास जो टोटल ये जो आपके पास एरिया होएगा लैंड एरिया जितना भी होएगा उसका जो आपका एरिया आएगा वो आएगा 217.99.01 स्क्वेयर फीट। तो आपने अपने इस एरिए के जिसके चारों सिंथ अलग-अलग हैं, इसकी डायमेंशन अलग-अलग है, उसके लिए आपने ये वाले फार्मूले को यूज़ करना है। इसके अलावा आपने कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना, बहुत ईजी और सिंपल फार्मूला है। आपने इसी तरीके को करते हुए अपना लैंड एरिया बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह।